सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोग इस वीडियो को शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। ये फोल्डिंग है पूरी पूरी। हाँ अब बताओ। अब इन्होंने इसको फोल्ड किया है और ये जो बोतल इनके पास है, इस बोतल के बाद अंदर इस चारपाई को बहुत सावधानी से और बारीकी से इस कार्य को किया जाता है। ये भी एक बहुत अलग प्रकार की कला है जो हर किसी के पास नहीं होती। जैसे कोई गाना जानता है, कोई नाचना जानता है, वैसे ही ये एक हाथ की एक बहुत प्यारी सी सफाई है जो इस बोतल के अंदर इस चारपाई को पैक करेंगे। अब देखिएगा, हमारे मारवाड़ में जिसको ईस और उपड़ा कहते हैं वो तो इन्होंने अंदर डाल दिया है। अब इनके पास जो औजार है वो भी कोई विशेष क्वालिटी से नहीं बनाए गए हैं। घर के अंदर काम में आने वाली ये जो चीज़ें हैं वो अब देखिए इस बोतल को व्यवस्थित कर रहे हैं। चश्मा भी लगाना पड़ेगा इनको, बहुत छोटी सी चीज़ें जो इनको दिखाई नहीं दे रही वो शायद। चश्मा साफ करने के लिए एक अच्छा सा कपड़ा रखा करो पास में। अब देखिए ये इस एक लोहे की रोड के माध्यम से इन्होंने इस चारपाई को इस बोतल के अंदर रख रहे हैं। फिर इसके चारों जो पहिए या जिसे पागे कहते हैं वो लगाएंगे। बहुत मेहनत और बारीकी से इस कार्य को किया जाना चाहिए क्योंकि यदि उल्टी पुल्टी हो जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है सब। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि इनकी ये कला जो है वो पूरे विश्व भर में पहुंच जाए और सरकार भी कुछ एक अलग प्रकार की कला को प्रोत्साहन देने के लिए अपना कुछ कदम उठाएं। आप सभी लोगों ने इनके जो बोटल्स के जो फोटो जो यहाँ रखी हुई है, बोटलें खूब सारी, इनको आपने खूब सारा वायरल किया था, तो अब इस वीडियो को भी आप सभी को बहुत अधिक प्रकार से वायरल करना है ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच जाए। अब देखिए इनके पास ये छोटे मोटे जो औजार हैं उनकी सहायता से इस चारपाई को पैक करने का प्रयास कर रहे हैं ये। क्या गजब की स्टाइल है।
हेलो अब दूसरा पहिया डालना है देखो, बड़ा टेढ़ा काम है क्योंकि इनके पास आवश्यक संसाधन इस प्रकार के नहीं है जिससे जोड़ तोड़ के इसके अंदर डाला जा सकता है। यही ताड़ियों से या लोहे की कोई छोटी सी छड़ से इन्होंने अपना एक औजार तैयार किया है जिसकी सहायता से ये अब इस चारपाई का ये दूसरा पहिया जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए तीन पहिए तो चारपाई के तैयार हो गए हैं, अब एक आखिरी पहिया मदन जी अपनी कोशिशों के साथ इसके अंदर सेट करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही है क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और ये इनका एक पुराना काम है जो काफ़ी समय से ये कोशिश कर रहे हैं और खूब सारी बॉटल्स जो यहाँ पर पड़ी ये सब इन्होंने तैयार की है। लास्ट नंबर पर ये डालने का कार्य जो है वो अंतिम दौर में ये देखे चार पहियो इसके अंदर फिट हो गए हैं। चारपाई को खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं अब। ये देखिए चारों पहिए इनके सेट हो गए हैं, लगभग